अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं आई हूँ अपनी एक न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ गर्मियों के लिए। अच्छी अच्छी डिशें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सिंपल सी, झटपट बनने वाली, कोई मेहनत नहीं है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपने घर के लिए दही बड़े। संडे वाले दिन हम लोगों ने अपने डिनर में दही बड़े और ज़ीरे वाले राइस हमने बनाए थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो सिंपली मैंने जो इसका रायता बनाया था, मैंने लिए थे कुछ हरी मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा, पुदीना, हरा धनिया, और इसको अच्छी तरीके से वॉश करके इसकी चटनी बना के इसी ग्लेंडर मशीन में ही मैंने दही डाल दी थी और मिक्स कर दिया था नमक मिला के अच्छी तरीके से, ताकि सब चीज़ें एक जान हो जाएं। और यहाँ पर मैंने पकौड़ों का सामान बनाया हुआ है, जिसमें प्याज मैंने चॉप करी हुई है, छोटे छोटे आलू हैं और पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं, ज़ीरा है, नमक है, ये सब चीज़ें हैं। सोडा मैं नहीं डालती हूँ पकौड़ों में। अगर आप मेरी रमज़ान की व्लॉग देखे हैं तो मैंने पूरे रमज़ान अपने पकौड़ों में सोडा नहीं डाला है। मेरे माशाल्लाह पकौड़े ऐसे ही बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो जी, यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ अपने क्रिस्पी से पकोड़े, और थोड़े बड़े बड़े बनाऊँगी क्योंकि दही बड़ों के लिए बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट अपने पकोड़े तैयार कर रही हूँ। जब तक पकोड़े बन रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक शेयर कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, और फुल सपोर्ट करें प्लीज़। रेसिपी देखते ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ऐसे छोड़ कि ना जाया करें। इस वीडियो के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, यकीन करें। अभी मेरा मोबाइल भी इतना मसला कर रहा है कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, जैक का थोड़ा मसला हो गया बार बार चार्ज करने से, और अभी इतनी गुंजाइश भी नहीं कि मैं कोई न्यू मोबाइल ले लूं और मुझे वीडियो बनानी होती है। तो अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो मैं मेरा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मोनिटाइज हो जाएगा मेरा चैनल, तो कुछ मुश्किलात बेहतर हो जाएंगी। सिर्फ़ आप सबके सपोर्ट की वजह से ही वो सब कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फुल वॉच करके लाइक और एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करें कि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, आपने हमें देखा है, रेसिपी वीडियो वगैरह कैसी लगती है। क्योंकि मैं अपनी घर की रूटीन भी आपके साथ शेयर करती हूँ, कुकिंग भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं। मैंने बघार लगा दिया था, इसमें है प्याज, ज़ीरा, साबुत मिर्चियों का बघार है इसमें, और दही को मैंने थोड़ा सा पतला ही रखा है ताकि पकोड़े इसमें से जितना पानी पीना होगा दही का पी लेंगे और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारे दही बड़े बन चुके हैं और ज़ीरे के राइस मैंने इसके साथ बनाए हैं। तो ये हमारा सिंपल सा रात का डिनर है। और व्लॉग कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करके लाजमी बताएगा। दुआओं में मुझे याद रखिए।